हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास हमसे जुड़ रहे हैं। अरिंदम, इस वक्त की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से विराट कोहली के आगमन के बाद वहां क्रिकेट प्रेमी खड़े थे और उनका स्वागत किया। फिलहाल क्या स्थिति है, विराट कोहली को देखने की एक झलक पाने के लिए लोगों में काफ़ी क्रेज रहता है? जी रविंद्र, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और यहाँ पे कल रात को ही टीम इंडिया के कुछ टीम मेंबर्स आ गए थे और अभी कुछ ही देर पहले विराट कोहली भी पहुँचे और सीधे वहाँ यहाँ से उनको होटल रेडिसन ब्लू लेके जा गया है और कुछ और प्लेयर्स आ रहे हैं अभी भी और टीम श्रीलंका के जो प्लेयर्स है वो शाम के वक्त क्या यहाँ पर पहुँचेंगे, इतना ही जानकारी है अभी तक हमको। और जैसे आपने देखा कि कुछ ही देर पहले विराट कोहली यहाँ पे पहुँचे और उनको सीधे यहाँ से रेडिसन ब्लू होटल लेके गया है और प्लेयर्स आने वाले। यहाँ पे एक ACA के एक मेंबर मौजूद है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि जी क्या बता सकते हैं आप, कितने टीम मेंबर्स आए हैं अभी तक? अभी हम तो नहीं, यहाँ का स्पोक्समैन है अभी बोलेगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे ACA के कुछ स्पोक्स पर्सन से जानने के लिए कि कौन कौन मेंबर्स आए हैं अभी तक और कौन आएंगे। और फिलहाल इतना ही बता सकते हैं कि कल रात को ही कुछ टीम मेंबर्स आए थे और आज कुछ ही देर पहले विराट कोहली यहाँ पर पहुँचे और कुछ और यहाँ पे आने वाले हैं कुछ ही देर के बाद, और जितना हमको ये जानकारी दे है अभी तक, लेकिन वो बोल रहे कि कुछ स्पोक्स पर्सन है ऐसे कि वो हमको डिटेल्स बता सकते हैं, तो हमको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हम यही बता सकते हैं कि गुवाहाटी जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोटले इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बाहर काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। हम भी जो क्राउड है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आप बताइए तो क्या देखने आए आप यहाँ? हम देखने आए हैं टीम इंडिया, यहाँ पे टीम इंडिया आ रही है तो वही देखने आए हैं। विराट कोहली अभी आके चले जा चुके हैं श्रेयस अय्यर, और ये बाद में कौन आया पता नहीं चला, बाद में कौन आया आप बताएंगे? क्या उम्मीद है ये मैच से आपको? उम्मीद तो यही है कि इंडिया जीतेगी, इंडिया की तैयारी अच्छी है और इंडिया को जीतना चाहिए। हम बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया टीम। आप जा रहे हो देखने मैच? मैच देखने तो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि टिकट नहीं मिला। अच्छा, टिकट नहीं मिला, आप क्या बोलेंगे? यही ऑल द बेस्ट फॉर टीम इंडिया, गुड लक फॉर टीम इंडिया। बाहर टीवी में देखेंगे हम लोग मैच। अब कब से हो यहाँ से? मैं हो गया ऑलमोस्ट 5.5 ईयर्स गुवाहाटी में। नहीं आप यहाँ? हाँ, मैं एक घंटे से वेट कर रहा हूँ। किस किस को देखे आपने? विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, और लास्ट में अभी कोई प्लेयर गया है वो मालूम नहीं लगा मास्क की वजह से। और कितना देर वेट करोगे यहाँ पे? अभी सारा टीम जब तक रहेगा तब तक वेट करते हैं। तो रविंद्र, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फैंस है वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, कि वो लोग बोल रहे हैं कि पिछले एक दो घंटे से वो लोग यहाँ पे खड़े हैं और बता रहे हैं कि जब तक सारे टीम नहीं आ जाए वो यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो फिलहाल यहाँ का जो माहौल है यही है, और जैसे मैंने बताया कि कल रात को ही कुछ टीम मेंबर्स आ गए थे और कुछ ही देर पहले विराट कोहली पहुँचे और कुछ देर बाद कुछ और टीम इंडिया के मेंबर्स पहुँचेंगे और श्रीलंका के जो टीम है वो शाम के वक्त यहाँ पहुँचने वाले हैं। रविंदर जी, बिल्कुल काफ़ी रोचक बात हुई अरिंदम, जब आप बात कर रहे थे वहाँ क्रिकेट प्रशंसकों से, उन्होंने कहा कि मास्क की वजह से वो खिलाड़ियों को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन और भी यहाँ एक रोचक बात यह है कि क्रिकेट का कितना क्रेज़ है असम में, इसे देखने के लिए अगर जानना हो तो ये गुवाहाटी एयरपोर्ट की आज की तस्वीर काफ़ी है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, वहाँ सुबह ही प्रशंसक वहाँ पहुँच चुके हैं, कुछ लोग रात से ही वहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि वो अपने चहेते क्रिकेटर्स को देख पाएँ। आप यहाँ और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको जानकारी है फिलहाल कौन खिलाड़ी अभी पहुँच रहा है, क्योंकि वहाँ पर प्रशंसक जो है इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि कौन खिलाड़ी अब आएगा वहाँ। जी रविंद्र, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई ACA के जो असम क्रिकेट एसोसिएशन है उनके कोई स्पोक्स पर्सन हमको मिले, उनसे डिटेल जानकारी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इतना ही बता सकता हूं कि कल रात को ही करीबन 1 बजे टीम इंडिया के कुछ मेंबर्स यहां पे पहुंचे थे और अभी कुछ ही देर पहले विराट कोहली पहुंचे और कुछ और आने वाले हैं, इसीलिए सारे लोग यहाँ पे इंतज़ार में हैं। ACA के मेंबर्स भी यहाँ पे इंतज़ार में हैं और
आप देख ही सकते हैं किस तरह से यहाँ पे फैंस जो रुके हुए टीम इंडिया के जो मेंबर्स हैं उनके झलक पाने के लिए शायद उनसे कुछ बातचीत हो जाए इसी के इंतज़ार में है। तो फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, फैंस की भीड़ है और वो लोग वेट कर रहे हैं कि एक के बाद एक टीम इंडिया के मेंबर्स आए। और जैसे मैंने उनको पूछा कि आप कब से खड़े थे यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि करीबन 2 घंटे से यहाँ पे वो लोग इंतज़ार में थे कि एक बार विराट कोहली के झलक मिल जाए उनको या टीम इंडिया के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके भी झलक मिल जाए। तो अभी वो लोग यहाँ पे इंतज़ार में हैं और जैसे उन्होंने बताया कि वो शायद मैच देखने नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको टिकट्स नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे ही उन लोगों को संतुष्टि मिल रही है कि यहाँ पे एयरपोर्ट में उनके झलक मिलने से उनको एक संतुष्टि मिल रही है। रविंदर जी बिल्कुल, तो सुबह सुबह ये ताज़ा तस्वीर दिखाने के लिए अरिंदम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।